हेलो फ्रेंड्स, माय गर्ल एंड आई, ये 2005 की मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक रोमांटिक कोरियन मूवी है। इस मूवी में इटरनल लव और डेथ इस सब्जेक्ट को उन्होंने छुआ है। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं, इनके नाम हम के और क्रीम रखेंगे, यानी हीरो का नाम के और हीरोइन का नाम क्रीम हम रखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और बहुत ही अच्छा सा हमें टाउन दिखता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन होता है और वहाँ कुछ हमें फ्रेंड्स दिखते हैं। ये शोर पर आकर वहाँ के होटल में मजा कर रहे होते हैं, सी फूड खा रहे होते हैं। बहुत सारे टाइम बाद वो अपने गांव वापस आए हैं और यहाँ का जो सब है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ वो अपने फ्रेंड के बारे में बोलते हैं कि के यहाँ क्यों नहीं आया। तो एक फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड यहाँ मर चुकी थी। तो वो मौन कर रहा होता है और के भी हमें एक हिल पर दिखता है। क्रीम की बहुत सारी यादें इस शहर से जुड़ी हुई होती है, वो फिर से जी रहा होता है। थोड़ी देर बाद के फिर अपने फ्रेंड से मिलता है। वो सब फ्रेंड्स एक लाइट हाउस तक जाते हैं। वहां जाकर उन्हें का एक जो फ्रेंड होता है वो सी के ऊपर दिखता है। वहां जाकर वो चिल्लाता है, क्रीम प्लीज मेरे फ्रेंड को जाने दो, तुमने मेरे फ्रेंड को जकड़ रखा है। और ये भी सच होता है क्योंकि हमेशा के क्रीम के बारे में सोचता रहता है। के को इस सी को देखकर भी एक चीज याद आती है। फिर मूवी हमारी फ्लैशबैक में चलती है और हमें एक सीन दिखता है जिसमें क्रीम के को पानी से बचा रही होती है। के पानी में डूब रहा होता है और वहाँ क्रीम का जो पेचर होता है वो भी गिर जाता है। के बेहोश होता है, वो उसे शोर तक लाकर देती है और वही छोड़ जाती है। जब के होश में आता है तो उसके फ्रेंड उसके आसपास होते हैं। उसके फ्रेंड को पता नहीं होता कि के डूब चुका था, क्रीम ने उसे बचाया है ये भी उन्हें पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के स्कूल से अपने ग्रैंड डैड के आता है। उसके जो ग्रैंड डैड होते हैं, ये जो लोग मरते हैं उनके लिए सामान का उनका एक शॉप होता है। उसके ग्रैंड डैड बहुत ही कूल होते हैं। वो हमेशा उसे बियर वगैरह पिलाते हैं और बहुत अच्छे से बातें वो करते हैं। के और उसके ग्रैंड डैड विंडो तक आते हैं और के बोलता है कितना क्लियर वेदर है। तो उसके ग्रैंड डैड बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो क्योंकि ये डेथ का सामान सेल करने वाली शॉप होती है। के और उसके ग्रैंड डैड की बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के स्कूल में होता है और लेक्चर कर रहा होता है। तभी क्रीम उसके पास देखती है। के पास उसके फ्रेंड्स होते हैं तो एक फ्रेंड उसे बोलता है कि क्रीम मुझे देख रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक वीक के पहले मुझे प्रपोज कर देगी। के को भी ऐसा चल जाता है। जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है तब तो क्रीम और के एक दूसरे से टकरा जाते हैं। क्रीम उसके रास्ते में होती है और वो उसे जाने नहीं दे रही होती। के जब वहां से निकल रहा होता है तो क्रीम उसे पूछती है कि मेरे लिए एक गर्ल की बाय करो। वो उसे इनडायरेक्टली डेट के लिए पूछ रही होती है। वो पूछता है कि क्यों, बोलती है कि ऐसे। फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए गुरु की बाय करोगे तो हमारे लिए स्कूल में सब ऑकवर्ड हो जाएगा, यानी कि सब बच्चे इन्हें देखेंगे, इसलिए वही बोल रही होती है। के उसके लिए बाय भी करता है और ऐसे ही होता है, सब उन्हें देखने लग जाते हैं। के का जो फ्रेंड था जिसको लग रहा था कि क्रीम उसे देख रही है, वो बहुत ही जेलस हो जाता है। वो कहता है कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझे नहीं, और ये बहुत ही चिढ़ जाता है और रोने लग जाता है। वो उसे कहता है कि एक लड़का है जो उसे प्यार करता है, वो तुम्हें अब मारेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा बच्चा होता है। वो के को घेर लेता है, उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। वो उसे धमकी दे रहा होता है। तभी वहां क्रीम आ जाती है और फिर उसे डेट के लिए बुला लेती है। ये सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर के और क्रीम वहां से साइकिल पर भाग लेते हैं। फिर क्रीम और के दोनों अपने साइकिल पर लाइट हाउस पे आ जाते हैं। वहां का जो शोर होता है वहां बैठते हैं। वहां बैठने के बाद क्रीम के से पूछते हैं तुम सॉकर खेलते थे, उसका क्या हुआ। ये दोनों जो होते हैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर उसके बाद उन्हें ज्यादा बात नहीं की होती, इसलिए उनमें जरा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। के भी कहता है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की यहाँ रहती थी। उसके ग्रैंडफादर का हाउस के हाउस से बहुत ही पास होता है। फिर वो बातें करने लग जाते हैं और फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम का मीनिंग लाइफ है। कि कोरियन नाम है तो इनका मीनिंग अलग होता है। फिर वो के को कहती है कि तुम्हारे नाम में भी एक्सेलेंस ही मीनिंग है। वो फिर उसे कहती है कि तुम्हें मुझे एक बीपर बाय कर देना है क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरा बीपर चला गया है। के को पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रही है। क्रीम उसे फिर लाइट हाउस पर लेकर आती है और वो सनसेट देखते हैं। के का फेस रेड हो जाता है तो वो उससे पूछती है, तो वो कहता है कि इस टाइम में हमेशा हो जाता है कि उसका नाम सी पे पुकारता है। वो कहता है कि मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे पुकारना चाहिए। के फिर क्रीम से पूछता है कि हम तो एक दूसरे को बहुत ही दिनों से जानते हैं, तो तुम अचानक मुझसे स्माइल करने लगी, मुझसे बातें करने लगी, ऐसा क्यों है। वो उसे कुछ भी नहीं बताती। जब रात होती है तो के अपने मदर से पूछता है। वो कहता है कि मुझे बीपर चाहिए। उसकी मदर को बीपर क्या होता है ये भी पता नहीं होता और उसे ना कर देती है। के की सिस्टर उसे चिढ़ाती है कि तुम अपडेट कर रहे हो। जब इनका क्लास चल रहा होता है वहां भी एक रोमांटिक कविता चल रही होती है।
जब एक खत्म होता है तो दोनों हैंग आउट करते हैं। रात होती है तो किम के घर केव छोड़ने उसे आता है। किम उसे अपना नंबर दे देती है। केव कहता है कि तुम्हारा पेजर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ये नंबर किस काम का। वो कहती है कि तुम वहाँ मैसेज छोड़ सकते हो और जो लैंडलाइन होती है वहाँ से वो सुन सकती है। इस तरह से वो अब मैसेजेस में बात करने वाले होते हैं। क्रेम जब क्रीम को छोड़ देता है तब क्रीम के फादर को दिख जाता है। वो नाच ही रहा होता है तभी क्रीम के फादर उसे देख लेते हैं। ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट उनका होता है। के जब घर पर होता है तो उसकी सिस्टर फोन पर बात कर रही होती है पर के को अब क्रीम के लिए मैसेज छोड़ना होता है। जब बहुत ही देर हो जाती है तब फिगर आउट को करता है कि उसकी सिस्टर किसी से भी बात नहीं कर रही, कनेक्शन नहीं बना है। वो फिर क्रीम का जो मैसेजेस होते हैं वो सुनता है। किम को बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जिसमें बच्चे उसे कह रहे होते हैं तो क्यों उस के को डेट कर रही हो। ये जो मैसेज के सुन रहा होता है इसमें क्रीम का भी मैसेज होता है। उसमें वो कह रही होती है कि जब मैं सी में थी तो मुझे लगता था कि जब मैं अगर तुमसे बात नहीं करूंगी तो मैं सफोकेट हो जाऊंगी। मुझे बहुत ही करेज लगा पर मुझे तुमसे बात ही करनी थी, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। के भी उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है और कहता है वो भी उसे बहुत ही पसंद करता है। के अपने क्लासरूम में होता है और उसे एक टीचर आकर बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मर चुके हैं तुम्हें तो वहां जाना पड़ेगा। के बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और भागते भागते वहां आता है। और जब वहां आता है तो उसके ग्रैंडफादर जिंदा होते हैं। के पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि इतना मौसम अच्छा है तो मैं अकेला थोड़ी बियर पी सकता हूँ, तो इस वजह से उसके ग्रैंडफादर ने उसे बुलाया होता है। के ही ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि के का अब जरा मूड चेंज है, वो प्यार में ऐसा उसे लग रहा होता है तो ये भी उसे वो पूछ लेते हैं। तभी वहाँ क्रीम आ जाती है। फिर क्रीम की एज उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं, वो कहती है कि 19 साल की मैं हूँ। फिर उसे 19 बार गोल गोल घूमने के लिए कहते हैं। ये एक सुपरस्टिशन के ग्रैंडफादर की होती है, भूतों से वो बची रहे इसलिए वो उसे करने के लिए कहते हैं। जब के और क्रीम दोनों बैठते हैं तब के ग्रैंडफादर उन्हें अपनी लव स्टोरी कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी उससे पहले भी मैंने प्यार किया था। के बिलीव नहीं करता और फिर उसके ग्रैंडफादर ये स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक औरत से मैं बहुत ही प्यार करता था, हम दोनों की जो फैमिली थी इसके खिलाफ थी। फिर इस फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि के ग्रैंडफादर और वो लड़की ये दोनों स्टेशन पर है। के ग्रैंडफादर जो होते हैं वो सेना में भर्ती हो रहे होते हैं और फिर वो उसे मिलकर जा रहे होते हैं। वो उसे अपना नेम बैच होता है वो उसके हाथ में दे देते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज मेरे लिए वेट करो। वो भी कहती है कि जिंदा वापस आ जाओ। यहाँ वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जब मैं सर्विस से वापस आया तो मेरे लिए कोई भी वेट नहीं कर रहा था, उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। के ग्रैंडफादर के पास उस लड़की की अभी भी फोटो होती है और उसी शॉप में वो हमेशा रखते हैं। अब के ग्रैंडफादर बूढ़े हो चुके हैं पर फिर भी वो उससे प्यार करते हैं, बहुत सालों का ये प्यार है। फिर के लिए मैसेज छोड़ती है। वो कहती है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारे जो भी कहा है ये तुम्हारे लिए अपसेटिंग हो सकता है पर मैं इसे परफेक्टली अंडरस्टैंड करती हूँ। के कहता है कि मैं भी इसे अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे लगता है कि जो भी हुआ वो सही हुआ, अगर ये नहीं होता तो मैं बॉर्न नहीं हो पाता और हम दोनों नहीं मिलते, तो इससे उसे अच्छा लग रहा होता है। के क्रीम और उसका एक फ्रेंड होता है ये सब स्कूल में होते हैं तो ये डिस्कस वो कर रहे होते हैं। तभी टीचर उन्हें डांटता है और उन्हें सजा देता है, उसके एक फ्रेंड को वो बाहर भेज देता है। फिर भी के और क्रीम बातें करने लग जाते हैं तो इन्हें भी ये क्लासरूम से निकाल देते हैं। जब के और क्रीम ग्राउंड पर होते हैं तो डिस्कस कर रहे होते हैं। क्रीम जो होती है ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करती है, के ईश्वर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि वो इडियट ही होंगे जो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते होंगे। इसमें इनकी जरा फाइट हो जाती है और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। इसके बाद क्लासरूम में के का जो फ्रेंड था उसके साथ क्रीम बात कर रही है यह हमें दिखता है। के इस पर बहुत ही चिढ़ जाता है, उसके हाथ में एक फॉर्क होता है और उस फॉर्क के साथ वो उसके पीछे भागता है। उसका फ्रेंड भी डर जाता है और भाग जाता है। के अपने बाइसिकल से घर जाता हुआ दिखता है और वहाँ क्रीम भी होती है, उसके साथ गोरखी खाना चाहती है, उसके हाथ में होता है। उसे लगता है कि वो रुकेगा और उनका फिर से मैचअप हो जाएगा पर वो चला जाता है। क्रीम फिर उसे मैसेज देती है, वो कहती है कि तुम्हारा जो फ्रेंड था वो सिर्फ मुझसे एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता था, तुम्हें जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तुम अगर इतनी छोटी सी बात पर जेलस हो जाओगे तो 50 साल या उससे भी ज्यादा मुझसे कैसे प्यार करोगे। के फिर उसे ग्रैंड डैड के पास आता है, उसे बोलता है तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कुछ भी बताने की। वो उसे पूछता है कि क्या फिर तुम उससे कभी मिले। उसके ग्रैंड डैड कहते हैं कि उसके जब पति मर गए थे तब मैं वहां गया था, हमने एक दूसरे को देखा था पर हम एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर पाए। के को बुरा लगता है कि क्रीम के घर जाता है, वहाँ एक छोटा सा पत्थर लेता है और वो खिड़की पर डालकर क्रीम को बाहर बुलाने वाला होता है पर ये पत्थर जरा बड़ा होता है
और इससे उसकी खिड़की टूट जाती है। वो वहां से भाग जाता है। ये फिर क्रीम के लिए मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंड डैड और मेरी ग्रैंड मदर, ये दोनों एक दूसरे से मिलना ये एक डेस्टिनी थी। हर आदमी की एक डेस्टिनी होती है। मेरे मदर फादर मिलना ये भी डेस्टिनी थी। मुझे तुम्हारी डेस्टिनी बनना है। फिर इन दोनों का पैचअप हो गया है ये हमें दिखता है। ये दोनों हैंग आउट करते हैं, बहुत सारी फन चीजें एक साथ करते हैं, एक के लिए हॉल वगैरह प्रिपेयर करते हैं। ये फिर अपने फ्रेंड के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है, तो उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि क्रीम के ऊपर बहुत सारे लड़कों के डोरे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलना चाहिए। ये जो फ्रेंड होते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं कि फॉग आइलैंड है, वहाँ एक मैजिकल रॉक है जहाँ पर सब लोगों की विशेष कम्प्लीट हो जाती है, अपना पार्टनर उन्हें मिल जाता है, तो यहाँ फिर के को जाना होता है। ये सब फ्रेंड्स ने प्लान किया होता है और उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड वगैरह सब वहाँ जाने वाले होते हैं। वो क्रीम को भी इसलिए पूछता है, क्रीम भी परमिशन लेकर इसके लिए हाँ कर देती है। जब ये दिन आता है जब वो फॉग आइलैंड में जाने वाले होते हैं, तो वह उसके फ्रेंड कॉल कर बताते हैं कि हम नहीं आने वाले, यहाँ रात भर उन्हें रुकना होता है। तो क्रीम उसे कहती है कि तुम्हारा ये सेटअप था। के डर जाता है, केको लगता है कि अपसेट हो चुकी है, पर क्रीम को और भी अच्छा लगता है। वो अब अकेले ही यहाँ जाते हैं। फॉग आइलैंड में जाकर वो स्विमिंग करते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ व्यूज होते हैं, ये वो देखते हैं, बहुत ही अच्छा जाता है। तो एक हिल पर आते हैं, ये दोनों एक विश कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने क्या विश किया है। वो दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि वो एक ही साथ एक दूसरे की विश बोलेंगे। एक दूसरे के मुंह से एक ही बात आती है, वो होती है कि इसी तरह का हर दिन हो। वो फिर एक जगह रुकते हैं, वहाँ की जो लेडी होती है वो ब्लाइंड होती है, पर वो सब सुन सकती है। उसे इन्होंने बताया होता है कि ये हस्बैंड और वाइफ है। ये दोनों बैल्कनी में होते हैं और वहाँ रेन आने लग जाती है। केवी क्रीम को एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था हमारे घर पर एक ओल्ड लेडी आती थी, उसने मुझे सवाल पूछा था कि रेन कैसे गिरती है, ये ड्रॉप्स में गिरती है या थ्रेड की तरह धागे में गिरती है। मैं कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ये मोमेंट बहुत ही रोमांटिक होता है, तो एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हमें दिखता है कि रेन स्टॉप हो जाती है, ये ड्रॉप्स की तरह गिरती है, ये केक को समझ में आता है। जब बहुत ही रात हो जाती है तब इन दोनों को नींद नहीं आ रही होती। क्रीम सी के यहाँ बैठी हुई होती है, के भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। रोसे कहती है कि ये जो टॉर्नेडो होता है इसके बीच में कभी भी बारिश नहीं आती। के कहता है ये कितना ब्यूटीफुल है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी कम है पर फिर भी ये होता है, जैसे हमारे मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी पर फिर भी हम मिले हैं। वो कहता है कि मुझे अब तुम्हारे लिए जीना है, मैं तुम्हारे लिए रोना चाहता हूँ, हंसना भी तुम्हारे लिए चाहता हूँ, जीना भी तुम्हारे लिए चाहता हूँ। क्रीम उसके यूनिवर्स का सेंटर बन जाए ऐसा उसे लग रहा होता है। क्रीम भी कहती है कि तुम गुस्सा हो जाते हो, जेलस हो, पर तुम जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हो। नेक्स्ट डे किम और के दोनों माउंटेन पर होते हैं और क्रीम उसे क्लाउड्स दिखा रही होती है। ये जब वो दिखाती है तभी वो चक्कर आकर गिर जाती है। के भागता है और सिटी में आ जाता है। क्रीम के फादर क्रीम को लेने के लिए आते हैं और के को मार कर चले जाते हैं। क्रीम फिर हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो के उसे मिलने के लिए आता है। उसे चीरअप करने के लिए प्रिटेंड करता है कि वो प्रिंसेस है और ये प्रिंसेस जो उसे ब्लड ऑफर कर रहा है। क्रीम फिर पॉइंट करती है तो क्रीम के फादर वही बैठे होते हैं। ये डर जाता है और बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर भी यही प्रैक्टिस करते हैं। फिर वहां से भागकर चला जाता है। के और क्रीम फिर एक दूसरे को मैसेज देते हैं और उन्हें क्या क्या चीजें बहुत ही अच्छी लगती है वो कहते हैं। के कहता है कि मुझे स्काई पसंद है, मुझे सनसेट पसंद है, बहुत सारी चीजें वो बोल रहे होते हैं। जब रात होती है तो के अपनी मदर को देखता है, उसके जो फादर होते हैं मर चुके होते हैं। ये कहता है कि मेरी मदर को अकेला देखना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरे दिन फिर से के जब क्रीम से मिलने आता है तो अपने रूम में नहीं होती। वो नर्सेस से पूछता है कि वो कहाँ गई है। नर्सेस बोलती है कि वो भाग गई है। के बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हार कर वो अपने ग्रैंड डैड के आता है। वो वही होती है। वो उसे पूछता है कि मुझे ऐसा देख करके तुम्हें मजा आ रहा है, उस पर चिढ़ गया था। क्रीम भी उससे सॉरी बोलती है। वो उसे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूंगी प्लीज मुझे आंसर करना। नेक्स्ट दिन हमें के ग्रैंड फादर दिखाए गए हैं। वहाँ एक लड़की आती है, वो उसे अपना बैच देती है जो बैच उसने अपने प्रेमिका को दिया था। ये जो होती है उसकी प्रेमिका की बेटी होती है। वो उसे कहती है कि उसने मुझे जैसे बताया था तुम वैसे हो, यानी कि वो लड़की उसे कभी भूली नहीं थी। उसकी प्रेमिका की लड़की फिर उसे उसकी मदर को फ्यूनरल के रेडी करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि उसकी लास्ट विश थी तुमसे वो मिल पाए। वो पूछता है कि वो कैसे मरी, क्या ये डिफिकल्ट था। वो कहती है कि नहीं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, उसे इसमें पीस लगता है। के की ग्रैंडडैड उसकी प्रेमिका से मिलने आते हैं। वो उसे उसके फ्यूनरल के लिए रेडी करते हैं, एक क्लॉथ में उसे वो रैप कर देते हैं। वो फिर उसके प्रेमिका से बोलते हैं यह पहले मिलना चाहिए था,
क्यों ही इतना डिफिकल्ट था हमारा मिलना। उन्हें बहुत ही रिग्रेट अब हो रहा होता है। वो कहते हैं कि नेक्स्ट रोड में हम फिर से मिलेंगे और हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। दूसरे दिन फिर से जब क्रेग किम से मिलने आता है तब उसे कंटेंट किया होता है। उसके पास आसपास प्लास्टिक होता है। वो उससे डायरेक्टली भी मिल नहीं सकता कि क्रीम के फादर से मिलता है। क्रीम के फादर उसे कहते हैं कि बहुत ही यंग है और ये अब मरने वाली है। क्रीम को ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर होता है, तो इससे वो मरने वाली होती है। के भी इससे डील कर रहा होता है। उनके फादर कैसे कहते हैं कि उसके लिए अगर तुम कुछ भी करना चाहो तो वो कर देना। जब रात होती है तो के अपनी मदर से पूछता है, क्या तुम कभी डैड को मिस करती हो? तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, मैं उन्हें मिस करती हूँ। क्रीम के मन में सवाल होता है कि जब वो मर जाएगी तो उसे कौन याद रखेगा। उसका मानना होता है, वो कहती है कि उसके फ्रेंड्स वगैरह सब उसे याद रखेंगे, पर जैसे टाइम पास होता जाएगा उसे भूल जाएंगे। उसकी फैमिली, उसके जो सब पास थे, वही उसे याद रखेंगे। क्रीम की ईगो कह रही होती है, जब तक तुम मरोगे मुझे तुम याद रखना। के रोने लग जाता है। के कहता है कि मैं तुम्हें याद नहीं रखूंगा। उसे कहता है कि मैं किसी और लड़की के साथ करोगे खाऊंगा, मैं किसी और लड़की को डेट करूंगा, मैं बहुत ही खुश रहूंगा। उसे जेलस फील करवाना चाहता है, यानी कि वो ना मरे। क्रीम को फिर से आयरन जाना होता है। वो क्रीम को उठाता है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं। तो क्रीम उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी, जब तुम मरोगे तब हम फिर से एक हो जाएंगे। जब वो बोट तक पहुंचते हैं तो वहां स्टॉर्म आ जाता है और यह सब बंद हो जाता है। के को बहुत बुरा लगता है और वहां के ऑफिशियल के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, पर फिर भी अब वो क्रीम को लेकर उस आइलैंड तक नहीं जा सकता। के क्रीम के पास आता है और रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आइलैंड तक नहीं लेकर जा सकता। क्रीम उसे वादा लेती है। वो कहती है कि तुम मेरे लाइफ के सी हो, तुम ही मेरा समुंदर हो, मुझे तुम्हें हमेशा हैप्पी देखना है, उससे हमेशा खुश रहे, ऐसा वो उससे वचन लेती है। यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और जब अब के बड़ा हो चुका है वो फिर से उसी आइलैंड तक आता है। जिस अंधी औरत के रूम में वो रुके थे वही वो आ जाता है। उस रूम में जब वो पहुंचता है तब उसे के की एक नोटबुक मिलती है। उसमें लिखा होता है कि के और मैं, हम दोनों फिर से इस आइलैंड में आएंगे। वहां जो हिल होती है वहां बहुत सारे फूलों के प्लांट्स उसने प्लांट किए होते हैं। वो कहती है कि मुझे के का रिएक्शन देखना है कि उसे कैसा लगेगा। के फिर इस हिल तक पहुंचता है और ये फूलों से भरी पड़ी होती है। के फिर से उनका एक लम्हा याद करता है जहाँ पर उन दोनों की मिलने की पॉसिबिलिटी क्या थी, ये वो डिस्कस कर रहे थे। एक दोनों को उन दोनों ने आई लव यू कैसे कहा था, ये वो याद करता है। इन फूलों के बीच में वो चलता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। वो हमेशा उसे याद रखने वाला है। तो इस मूवी का जो प्लस पॉइंट था ये उसके व्यूज थे। बहुत ही अस्टोनिशिंग इसके व्यूज है, जो हमें देखने के लिए कभी भी अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।